यस मैम। कौन सा अध्ययन करेंगे अपना था? और हमारी कौन सी चल रही थी? सीरियल चल रही थी माइक्रोबायोलॉजी, ठीक है? तो कौन है पढ़ा था माइक्रोबायोलॉजी? हमने लास्ट सेक्शन में पढ़ा था ना माइक्रोबायोलॉजी के पाठक कौन है? कौन है? एंटोनियो एंड लिवेंडो, ठीक है? माइक्रोबायोलॉजी इज द स्टडी ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म व्हिच कैन बी सीन अंडर माइक्रोस्कोप, जिनको हम डांस कर सकते हैं ऐसे माइक्रो ऑर्गेनिज्म, जिनको हम डांस कर सकते हैं जिनको सिर्फ हम माइक्रोस्कोप के अंदर ही देख सकते हैं, ठीक है? उनको हम इंडेक्ट आई से नहीं देख सकते, उसकी स्टडी का नाम क्या है? माइक्रोबायोलॉजी। किसने डिस्कवर किया था? एंटोनियो एंड लिवेंडो, फादर ऑफ माइक्रोबायोलॉजी वाज एंटोनियो एंड लिवेंडो, ठीक है? आज हम मिलेट्स पढ़ रहे हैं ना, मैंने बताया था आपको कि माइक्रोबायोलॉजी क्या होता है, इट्स अ ब्रांच ऑफ साइंस व्हिच डील्स विद द स्टडी ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म व्हिच कैन बी सीन अंडर माइक्रोस्कोप। ऐसे स्टडी साइंस की जिसका क्या कर सकते हैं, माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं, ठीक है, जिनको हम क्या कर सकते हैं माइक्रोस्कोप के अंदर ही, माइक्रोस्कोप होता है क्या होता है, तो उसके अंदर हम क्या कर सकते हैं उनको माइक्रो ऑर्गेनिज्म को देख सकते हैं, उसको हम क्या बोलते हैं माइक्रोबायोलॉजी की स्टडी को, ठीक है? और जो माइक्रोस्कोप होते हैं दो टाइप के होते हैं, कंपाउंड माइक्रोस्कोप और इलेक्ट्रिकल माइक्रोस्कोप, ठीक है? तो जो कंपाउंड माइक्रोस्कोप होते हैं हमारे, तो एक इलेक्ट्रिकल होते हैं, तो हमारे वायरस होते हैं, मतलब जो हमारे माइक्रो ऑर्गेनिज्म है, जो वायरस है, तो वो कुछ इतने छोटे होते हैं कि हमारे कंपाउंड माइक्रोस्कोप से भी नहीं दिखते, हम खुद उसमें देखते हैं इलेक्ट्रिकल माइक्रोस्कोप, ठीक है? फिर उसके बाद मैं बताया था आपको कि कुछ जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं कुछ हार्मफुल होते हैं और कुछ यूजफुल होते हैं, ठीक है? हार्मफुल बैक्टीरिया कौन से होते हैं? जो हमारे बॉडी में क्या करते हैं, डिजीज को कॉज करते हैं, वो हमारे क्या है, हार्मफुल है। और जो हमें क्या करते हैं, हमारे यूजफुल कौन से, जैसे कर्ड बनाने के लिए हमारे काम आते हैं, ठीक, क्या होते हैं, यूजफुल होते हैं। कुछ हमारे जो डेयरी प्रोडक्ट होते हैं, क्या करते हैं, बनाने के काम आते हैं, वो होते हैं, वो कौन से होते हैं, यूजफुल बैक्टीरिया, ठीक है? पैथोजेनिक और नॉन पैथोजेनिक बताया था मैंने, तो पैथोजेनिक कौन से होते हैं, पैथोजेनिक कौन होते हैं, जो क्या करते हैं, डिजीज कॉज करते हैं, मतलब बीमारी में किसी बैक्टीरिया ने काटा, मतलब क्या हो, बीमारी हुई, तो क्या होता है ब्लड में कि वो पैथोजेनिक बैक्टीरिया है, ठीक है? और नॉन पैथोजेनिक क्या होता है कि अगर किसी बैक्टीरिया ने काटा मिल जाए, कोई भी प्रॉब्लम नहीं हो उससे, तो कौन सा होता है, नॉन पैथोजेनिक, ठीक है? तो पैथोजेनिक और नॉन पैथोजेनिक में क्या डिफरेंस होता है? पैथोजेनिक हमारे लिए होता है प्रॉपर बैड स्टूडेंट है, कैसे बैठता है जो होते हैं हमको डिजीज का डर भेज देते हैं, हमको नॉन पैथोजेनिक होते हैं। बातें नहीं करो, बताओ बस स्टैंड पर मेंटेन कर, ठीक है? पहले खड़े हो इसे फिर बताएंगे। हम पैथोजेनिक तो होते हैं जो हमको, जो बैक्टीरिया हमको डिजीज देते हैं, और नॉन पैथोजेनिक होते हैं जो हमको डिजीज नहीं देते, ठीक है? पैथोजेनिक बैक्टीरिया वो होते हैं, ये डिफरेंस होता है डाउन टू कि हमें क्या हुआ, कि किसी बैक्टीरिया से काट रहा, ठीक है? इसके बाद आपका लंच हुआ, बना हुआ, उसके बाद में मेरी क्लास है एचएपी की, कोई जाए। ओके सर, थैंक यू सर। तो पैथोजेनिक नॉन पैथोजेनिक में ये डिफरेंस होता है, पैथोजेनिक बैक्टीरिया वो होते हैं जो हमें काटने के बाद हमें कोई फर्क नहीं पड़ता, कोई डिजीज कॉज नहीं करते, वो होते हैं पैथोजेनिक, मतलब कि हमें डिजीज हो रहा है, ठीक है? हमें क्या करें, किसी बैक्टीरिया ने काटा तो कोई डिजीज हुआ, मतलब कि पैथोजेनिक है। नॉन पैथोजेनिक में किसी बैक्टीरिया ने काटा, क्या है, नॉन पैथोजेनिक, ठीक है? अब क्लासिफिकेशन हुआ है हमारे माइक्रो ऑर्गेनिज्म का, फर्स्ट होते हैं हमारे बैक्टीरिया, फिर होते हैं हमारे एल्गी, फंजाई, मोल्ड, ईस्ट, क्रिकेट, ठीक है? माइकोप्लाज्मा, वायरसेस और प्रोटोजोआ, ठीक है? व्हाट हैपेंड, एनी प्रॉब्लम? पहले ना, पहले ही आप पर मेरे यूज कर लो, बाद में दे देना, ठीक है? ठीक है, हमारे माइक्रो ऑर्गेनिज्म कौन कौन से होते हैं, बैक्टीरिया हुआ हमारा, एल्गी हुआ, फंजाई, मोल्ड एंड ईस्ट, क्रिकेट, ठीक है? यस मैम। कोई भी रेस्पॉन्स नहीं दे रहा था, तो क्या पढ़ा था उस दिन लेक्चर में? फिर हमारा था माइक्रोप्लाज्मा, वायरसेस और प्रोटोजोआ। फिर मैंने आपको बताया था माइक्रो ऑर्गेनिज्म दो तरीके से क्लासिफाई करे गए किए गए हैं, वो कौन कौन से होते हैं, प्रोकैरियोट्स और यूकैरियोट्स। तो प्रोकैरियोट्स क्या होते हैं बताओ, मेरे नाम क्लास में थे
मैम बता नहीं सकता इसके बारे में, मैम पढ़ा नहीं मैंने। कलर ऑफ ग्रीन उस वजह से हमारे प्लांट है जब कलर कैसा होता है हरा होता है ना, तो उसकी वजह से हमारे प्लांट है हरा है, ठीक है। लेकिन बैक्टीरिया में क्या क्लोरोफिल नहीं प्रेजेंट होता, ठीक है। ये क्या नहीं करके रखता, इट डज नॉट कंटेन क्लोरोफिल, ठीक है। क्या होता है क्लोरोफिल मैम? क्लोरोफिल यानी कि ये ग्रीन कलर का एक पिगमेंट होता है मैम, जो पत्तियों के अंदर प्रेजेंट रहता है मैम, जो जैसे कि हरे प्लांट होगा इसके अंदर मैम प्रेजेंट रहते हैं। क्लोरोफिल यूनिसेलुलर जो डिजीज फैलाते हैं। हाँ, वेरी गुड। जो कॉमन पैथोजेनिक बैक्टीरिया है, क्या मतलब कि जो डिजीज कॉज कर रहे हैं, तो उनका साइज कितना होता है, 0.2 से लेके 1.5 माइक्रोमीटर डायमीटर का होता है, और 3 to 14 माइक्रोमीटर क्या होती है, लंबाई होती है, ठीक है। तो जो हमारे कॉमन पैथोजेनिक बैक्टीरिया होते हैं, उनका साइज कितना होता है, 0.2 to 1.5 माइक्रोमीटर की डायमीटर होती है, और 3 to 14 माइक्रोमीटर की लेंथ होती है, ठीक है। यस मैम। यस मैम, ठीक है। एक मीनिंग आपको मैं क्लियर कर रही हूं, आपको लेक्चर क्लास 15 में आपको करा रही हूं, ठीक है। तो बैक्टीरिया में कैसे रिप्रोडक्शन होता है, कैसे रिप्रोड्यूस करते हैं, एसेक्सुअली रिप्रोड्यूस करते हैं, ठीक है, क्लियर है। और ये सिंपल इफ दे ग्रो एंड रिप्रोड्यूस में फेवरेबल कंडीशन आर अवेलेबल, जब ये तब करते हैं ग्रो और रिप्रोड्यूस तब करते हैं जब इनको फेवरेबल कंडीशन दिखती है, मिलती है, तभी क्या करते हैं, रिप्रोड्यूस करते हैं, ठीक है। और देयर आर प्रेजेंट एवरीवेयर, हर जगह
मैम इंटरनल होता है बाहरी सरफेस होती है, एक्सटर्नल का मतलब होती है अंतर के सरफेस। नो मैम, नो मैम, यूजफुल होता है। लैक्टोबैसिलस यस मैम। तो बस वो कॉमा शेप हुआ, ठीक है। स्पाइरल को स्पाइरल, नेक्स्ट होते हैं हमारे स्पाइरल एस पी आई आर आई डबल एल ए। स्पाइरल शेप कौन सी होती है? स्पाइरल शेप, स्पाइरल, ठीक है, ऐसे वाली एस पी आई आर एल स्पाइरल शेप, स्पाइरल शेप। और हमारे जो एक्टिनोमाइसिटीज होते हैं ए सी टी आई N O M Y C E T S एक्टिनोमाइसिटीज C E T S एक्टिनोमाइसिटीज क्या है? ये हमारा ब्रांचिंग फिलामेंटस बैक्टीरिया। इसके आगे लिखो एक्टिनोमाइसिटीज के ब्रांचिंग फिलामेंटस बैक्टीरिया दे आर सो कॉल्ड because they resemble so called CNVLTD called because they resemble with rays of the sun with rays 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 of the sun ठीक है।
प्लाज्मा एम आई सी ओ पी एल ए एस एम ए माइको प्लाज्मा एम आई सी ओ पी एल ए एस एम ए माइको प्लाज्मा माइको प्लाज्मा क्या होता है देखो दे आर विदाउट सेल इनमें क्या होता है सेल नहीं होता दे आर विदाउट सेल एंड अगर मॉस्किटो ले सकते हैं इसमें हाँ ठीक है ये होते हैं नॉन पैथोजेनिक अब क्लासिफिकेशन होता है हमारा बैक्टीरिया का तो कौन कौन से क्लासिफिकेशन करे थे मैंने माइक्रोऑर्गेनिज्म का इन्हें वेरियस डिजीज प्रोड्यूसिंग माइक्रोऑर्गेनिज्म आज क्लासिफाइड है फर्स्ट कौन सा होता है हमारा नहीं पता सिद्धार्थ चलो बैठो मैंने बताया था आपको क्लासिफिकेशन होता है अंग्रेज आपको पता है मैम क्लिक नहीं हो रहा मैडम मेरे दिमाग जी मैम दिमाग में क्लिक नहीं हो रहा मेरे क्वेश्चन मैं बता रही हूँ अब फिर मैं रिपीट नहीं कर रही ठीक है यस मैम हमारा क्लासिफिकेशन होता है माइक्रोऑर्गेनिज्म का फर्स्ट होता है हमारा बैक्टीरिया ठीक है उसके बाद होती है हमारी एल्गी एएसजीएएलवी ठीक है दूसरा थर्ड होता है हमारा फंजाई मोल्ड एंड ईस्ट फोर्थ होता है हमारा रेटिस फिफ्थ होता है हमारा माइकोप्लाज्मा सिक्स होता है हमारा वायरसेस और सेवेंथ होता है हमारा प्रोटोजोआ ये हमारे क्लासिफिकेशन थे माइक्रो ऑर्गेनिज्म के साथ ठीक है तो आज हमने क्या पढ़ा था बैक्टीरिया पढ़ा था फिर हम पढ़ेंगे एल्गी फिर हम पढ़ेंगे फंजाई फिर हम पढ़ेंगे वायरसेस इसके बारे में हम धीरे धीरे सीक्वेंस वाइज स्टडी करते चले जाएंगे ठीक है यस मैम उसके बाद मैंने आपको बताया था कि प्रोकैरियोट्स और यूकैरियोट्स में क्या डिफरेंस होता है प्रोकैरियोट्स में क्या होता है स्मॉल सेल होती है एल्गी फंजाई और प्रोटोजोआ में क्या है सेल क्या होती है
यस मैम जी मैम जी मैम बैक्टीरिया फंगल है। उसके बाद मैं बताया आपको कि जो बैक्टीरिया होते हैं क्या होते हैं, बैक्टीरिया क्या होते हैं, यूनिसेलुलर माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं, मतलब कि सिंगल सेल। ठीक है, कैसे होते हैं बैक्टीरिया? यूनिसेलुलर मतलब कि सिंगल सेल, सिंगल सेल। उसमें क्लोरोफिल प्रेजेंट होता है नहीं बैक्टीरिया में? नो मैम। क्यों नहीं होता? क्योंकि इसमें क्लोरोफिल प्रेजेंट नहीं होता मैम। नॉन पैथोजेनिक होते हैं। लेकिन जो पैथोजेनिक होते हैं हमारे बैक्टीरिया में क्या साइज होता है? 0.2 से 0.5 माइक्रोमीटर के डायमीटर और 3 से लेकर 14 माइक्रोमीटर लंबाई में होता है इनका साइज। ठीक है, और ये कैसे रिप्रोड्यूस करते हैं? सेक्सुअल रिप्रोड्यूस करते हैं या एसेक्सुअल रिप्रोड्यूस करते हैं? एसेक्सुअल। हां एसेक्सुअल। सिद्धार्थ एसेक्सुअल। ठीक है, कब करते हैं रिप्रोड्यूस? जब फेवरेबल कंडीशन इनको मिलती है तभी क्या करते हैं रिप्रोड्यूस करते हैं। बैक्टीरिया कहाँ कहाँ प्रेजेंट होते हैं? बैक्टीरिया प्रेजेंट एवरीवेयर मतलब हर जगह। ठीक है, हमारे इंटरनल बॉडी पार्ट्स में, एक्सटर्नल बॉडी पार्ट्स में। ठीक है, एयर प्रेजेंट होते हैं, वाटर प्रेजेंट होते हैं, सॉइल में प्रेजेंट होते हैं, वाटर और प्लांट्स और एनिमल्स में भी प्रेजेंट होते हैं। तो बैक्टीरिया प्रेजेंट एवरीवेयर। ठीक है, कुछ बैक्टीरिया क्या होते हैं? हार्मफुल होते हैं। कुछ यूजफुल होते हैं। तो जो यूजफुल होते हैं मतलब कि बैक्टीरिया हमारे किस किस के लिए काम आते हैं? जैसे मैम कड बनाने में, कड डीओआरडी जी, चीज बनाने में। ठीक है, वायरल सिंथेसिस में काम आते हैं। कुछ एंटीबायोटिक्स होते हैं जिसकी प्रोडक्शन में यूजफुल होते हैं, और कुछ विटामिन होते हैं उसको बनाने में बैक्टीरिया का मेजर रोल प्ले होता है। ठीक है, थैंक यू। फिर मैंने आपको बताया कुछ क्लासिफिकेशन बताया, कॉफी शेप। कॉफी शेप कौन से होते हैं? रोड से। स्पाइरल जे कोमा से। ठीक है, और स्पाइरल में कौन सी होती है? स्पाइरल से। उसके बाद एक्टिनोमाइसिटिस बताया मैंने और मैक्रोफेज बताया। ठीक है, नेक्स्ट क्लास में हम इसी करेंगे पेंडुलम के कैरेक्टरिस्टिक अरेंजमेंट बैक्टीरिया में फर्दर क्लासिफाइड है। ठीक है, जो उसके कैरेक्टरिस्टिक अरेंजमेंट होते हैं बैक्टीरिया का हम कैसे भी क्लासीफाई करते हैं कि माइक्रोकोकाई, डिप्लोकोकाई, ठीक है, स्ट्रेप्टोकोकाई, टेट्राकोकाई और स्टेफिलोकोकाई। ठीक है, ये क्या होते हैं हमारे चार और हमारे कैरेक्टरिस्टिक अरेंजमेंट के अरेंजमेंट करे गए हैं बैक्टीरिया के, वो हम नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे। ठीक है, नेक्स्ट लेक्चर कब होगा वहाँ पे किसी भी का? परसों मैम। ठीक है, ऑर्डर का डेज होता है ना कि छोड़ के, तो परसों आपकी रेगुलर क्लास कॉन्टिन्यूस चलेगी, कॉलेज आएंगे आप सब। ठीक है, okay. और जब जो हमने लास्ट पढ़ाया है उसको पढ़ के आएंगे। ठीक है, ओके मैम। अब तो समझ आ गया होगा ना सबको? यस मैम। ठीक है, विनय सामने आओ। हाँ विनय को आप थोड़ा सा एक्सप्लेन कर दो कि माइक्रोबायोलॉजी क्या होता है, कौन फादर होते हैं माइक्रोबायोलॉजी के। सामने देखो, माइक्रोबायोलॉजी एक साइंस है, साइंस की ब्रांच है जो छोटे छोटे बैक्टीरिया को देखने के लिए माइक्रोबायोलॉजी किया जाता है, और इसके फादर है। हाँ, बैक्टीरिया ये कभी गए हैं ना?
तब से मैं देख रही हूँ आपको सिर्फ आप बात करने में लगे हो, आपको फोकस ही नहीं है पढ़ने में। मैम मैं फर्स्ट हूँ। फर्स्ट तभी है बाबू, आज मतलब फर्स्ट सबका ही एक बार बता। नहीं मैम मैंने काफी क्लास अटेंड की है। तो कभी करी है ना क्योंकि समझा चुकी हूँ आपको दो बार, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। मैं लास्ट बार तो नहीं पूछ रही हूँ ना, आज वाला पूछ रही हूँ। मतलब हाँ बाबू जी बताओ भतीजे क्लासिफिकेशन क्या क्या होता है। आप ही खड़े रहो। फर्स्ट होता हमारा बैक्टीरिया, फिर मॉडल्स, रिकेट्स, माइकोप्लाज्मा, वायरस, प्रोटोजोआ, ये क्लासिफिकेशन ही तो हुए। चलो जाओ जाओ अंग्रेज अंग्रेज कौन से देखा बैक्टीरिया के बारे में एक्सप्लेन करो जाओ। बैक्टीरिया होते हैं जैसे कि बैक्टीरिया होगा और वायरस होगा, फंगी होगा, वायरस होगा। मैम बैक्टीरिया के बारे में क्या होता है? बैक्टीरिया बैक्टीरिया मैम होते हैं जो हमारे यानी सभी जगह पे प्रेजेंट रहते हैं, जैसे वाटर में रहते हैं और हमारी बॉडी में एक्सटर्नल इंटरनल सभी जगह प्रेजेंट रहते हैं। बस बस बैक्टीरिया कैसे होते हैं? यूनिसेलुलर और मल्टीसेलुलर? यूनिसेलुलर। यूनिसेलुलर होते हैं? यस। क्लोरोफिल प्रेजेंट करते हैं या नहीं करते? हां मैम। क्लोरोफिल नहीं होता? हां मैम। ठीक है। और इनकी जो लेंथ होती है डायमीटर की कितनी होती है? m 0.2 से लेकर 1.5 तक। ठीक है वेरी गुड। और लेंथ में कितनी होती है? 3 to 14। ठीक है 14 माइक्रोमीटर है लेंथ। ठीक है यस बिल्कुल। और ये कैसे रिप्रोड्यूस करते हैं? सेक्सुअली और असेक्सुअली? यस यस। ठीक है। और ये कब रिप्रोड्यूस करते हैं? जब इनको फेवरेबल कंडीशंस मिलती है तब बैक्टीरिया क्या करते हैं? रिप्रोड्यूस करते हैं। यस। ठीक है ठीक है क्लास। थैंक यू। थैंक यू।